और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये लोग मुझे लेकर चले तो मैंने देखा एक आदमी को लिटाया गया और उसके सर को पत्थर के ऊपर रखा गया और एक बड़ी सी चटान उसके सर पे डाला जा रहा है उसका सर चिकना चूर हो रहा है एकदम रेजा रेजा चूरा चूरा हो रहा है चट्टान दूर जाके गिर रही है फिर उठा के लाया जा रहा है उसका सर वो चट्टान उठाकर लाने तक फिर सही हो जा रहा है फिर पत्थर पर रख के उसको ऐसे ही कुचला जा रहा है मसला जा रहा है मैंने पूछा दोनों दोनों फरिश्तों से जिब्राइल और मिकाइल से ये कौन लोग हैं ये किस तरह के लोग हैं इनको इसे क्यों अजाब हो रहा है कि आगे बढ़िए आगे, आगे और भी है كل نفس ذائقة الموت موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل أعمل صالحا فيما تركت कल इल मत हुआ इम बर योम हजर निगरामी मौत के बाद क्या होगा और बरजख के अहवाल हालात के ताल्लुक से बात चल रही थी आज के दर्स में हम मालूम करेंगे कि पैर नबी अलैहि व्म ने अदिस मुबारक में जन्नत व जहन्नम के मनाजिर व अहवाल बयान फरमाए हैं शब मराज में मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ाबों में तो सवाल ये पैदा होता है और बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि जब हिसाब व किताबी नहीं हुआ मशर बपा नहीं हुआ तो फिर ये जन्नत और जहन्नम के मनाजिर और अजाबात जन्नत की नमतें ये कैसे आइए इसको हम मालूम करते हैं कि हिसाब किताब से पहले जन्नत और जहन्नम के मनाजिर कैसे हजरीन पैर नबी अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर जन्नत और जहन्नम के मनाजिर बयान फरमाए हैं शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिखाए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि को ख्वाब में भी दिखाए गए और आपने उन बातों को अहादिस में बयान फरमाए तो सवाल पैदा होता है कि अभी तो जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं हुआ तो ये बातें कैसे बता रहे हैं इसी को आलम बरजख कहा जाता है यही असल में आलम बरजख है इसी को आलम बरजख कहा जाता है कि जिसका ताल्लुक गायब से है और अल्लाह तबरक बरजखी जिंदगी में आलम बरजख में जन्नत की नमतों से उनको मालामाल फरमा रहा है और जहन्नम की नमतों से अजाबाद से भी उनको दो चार कर रहा है हजरीन प्यार नबी सल्ला वल्लम ने ये जो बातें बताई हैं उनमें से मैं आपके सामने आपलम के एक खाब का तस्करा करता हूं आपल्ला वल्लम ने उस, उसके जरिए से बहुत सारे इश्कालात का जवाब दे दिया है ये जो इश्काल होता है कि कैसे यही तो आलम बरसक है यही असल बरसक के अहवाल और हालतें हैं फिर नबी सल्लाह वसलम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मेरे पास दो फरिश्ते आए जब्राइल और मिकाइल दोनों आए और दोनों मुझे लेकर चले दोनों मुझे लेकर चले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये लोग मुझे लेकर चले तो मैंने देखा एक आदमी को लिटाया गया और उसके सर को पत्थर के ऊपर रखा गया और एक बड़ी सी चटान उसके सर पे डाला जा रहा है उसका सर चिकना चूर हो रहा है एकदम रेजा रेजा चूरा चूरा हो रहा है चट्टान दूर जाके गिर रही है फिर उठा के लाया जा रहा है उसका सर वो चटान उठाकर लाने तक फिर सही हो जा रहा है फिर पत्थर पर रख के उसको ही कुचला जा रहा है मसला जा रहा है मैंने पूछा दोनों साहब दोनों फरिश्तों से जिब्राइल और मिकाइल से ये कौन लोग हैं ये किस तरह के लोग हैं इनको इसे क्यों अजाब हो रहा है कि आगे बढ़ी आगे और भी हैं उसके बाद मैं मुझको लेके आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आग के तन्नूर में तपाया जा रहा है और वो नंगे हैं नंगे उन लोगों को आग में आग का चूल्हा है आग का तन्नूर है चूल्हा है स्टो समझ लीजिए और मर्द औरत मैंने देखा उनको तपाया जा रहा है आग की लय जब उठ रही है उनके जिस्मों को जब खा रही है झुलस रही है ऐसी चीख मार रही है बहुत डरावनी करी चीख है खतरनाक चीख पूछा कौन है ये बदनसीब है कहा कि आगे बढ़ी फिर तो उसके बाद मैंने देखा कि एक खून का दरिया है खून का तालाब है खून का दरिया है वो और उसमें कुछ लोग पड़े हुए हैं जिनके पेट फूल गए हैं प्यास के मारे में वही खून वो पी रहे हैं और उनके पेट बड़े बड़े मटकों की तरह है गुंबदों की तरह हो चुके हैं किनारे में आने की कोशिश कर रहे हैं किनारे पर कुछ फरिश्ते हैं पत्थर से जोर से मार रहे हैं उनका चेहरा एकदम पिटक जा रहा है फिर भाग के वो चले जा रहे हैं उस तालाब में खून के तालाब के बीचों भीच। फिर आने की कोशिश कर रहे हैं मुसल इसी तरह से उनको भगाया जा रहा है और वही खून वो पी रहे हैं देखा कि कौन लोग हैं फिर पास बात में यह भी है कि हमने यह भी देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया है बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ है उल्टा लटकाया गया है और लोहे की लोहे के अंकुश से और लोहे की कोया के एक बहुत जबरदस्त एक अंगेठी की तरह है उससे उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है और यहां तक कनपट्टी तक लाया जा रहा है खून से लत पर खून बह रहा है चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं वो लोग फिर से ही हो जा रहे हैं फिर चीरा जा रहा है कौन लोग हैं कहा आगे बढ़ो उसके बाद मुझे एक बेहतरीन खुशनुमा बाग दिखाया गया बेहतरीन बाग खुशनुमा बाग मुझे दिखाया गया और उस बाग में बेहतरीन मंजर हैं, बेहतरीन मंजर हैं, अच्छे तालाब हैं खुशनुमा पहाड़ हैं, तालाब है पानी है और नहमतें हैं बेहतरीन खुशनुमा बागात हैं, पुल है और वहां पर मैंने एक शख्स को देखा बड़े खूबरू खूबसूरत बेहतरीन नूरानी चेहरा और उनके इर्द गिर्द नूरानी बच्चे ऐसे बच्चे उनके चेहरे से मोतिया बिखर रहे हैं मोतिया गिर रहे हैं बहुत खुशनुमा बेहतरीन अंदाज के मोतियों की तरह मैंने बच्चे छोटे छोटे उनके साथ देखे हैं उसके बाद इन्हें पूछा कि बताओ तो सही ये कौन है उन दोनों ने कहा पहला वो शख्स जिसको तुमने देखा जिसके सर को पत्थर के बीच में रखकर पत्थर पत्थर से रौंदा और कुचला जा रहा है कहा कि वो इंसान जो फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता था फर्ज नमाज के वक्त उसका सर वजनी हो जाता था उठता नहीं था फर्ज नमाज छोड़े वो सोया रहता था उसका सर आज कुचला जा रहा है और बात रिवायत में यह है कि ये इंसान जो कुरान पढ़ा कुरान पढ़ा कुरान याद किया समझा मगर उसके मुताबिक अमल नहीं किया अमल नहीं किया ना रात में उठ के कभी कुरान की तलावत किया ना कुरान समझा ना समझाया ना दूसरों को बताया ना खुद फायदा उठाया ऐसे इंसान है ये और वो इंसान जिसको ओ ओ मर्द खवातन जिनको तुमने देखा कि आग के तन नूर में उनको तपाया जा रहा है और कड़ी आवाज निकल रही है कि ये जिनाकार मर्द और औरतें हैं जिनाकार मर्द औरतें हैं जो दुनिया में जिसम की नुमाइश करते थे और करती थी बेहया बेपर्दा खवतीन और वो मर्द जो जिनाकार मर्द जिनाकार औरतें हैं आज उनके साथ ये हशर हो रहा है जैसे करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी वो दूसरों के सामने नाजायज तरीके से अपने जिसम की नुमाइश और जिसम को नंगा करते थे आज नंगा इनको आग में तपाया जा रहा है और वो जिनको तुमने खून के नदियों में खून के तालाब में खून पीते देखा और जिनके पेट मटके की तरह बड़े बड़े गुम्मदों की तरह हो गए दुनिया में गरीबों के खून चूसा करते थे दुनिया में ये गरीबों के खून चूसा करते थे यानी सूदखोर सूदखोर अक्सर सूदी कारोबार सूदी लेने सूद लेने पर मजबूर गरीबी होते हैं ये खून चूसने वाले हैं लोगों के इसीलिए जैसे घर नहीं वैसी भरनी आज उनको खून पिलाया जा रहा है खून पियो और दुनिया में तुमने इस जहन्नम में भरा था बहुत नाचा इस तरीके से इंटरेस्ट का पैसा सूद और सूदी कारोबार तुमने किया था आज दुनिया सूद में लतपत है लोग इंटरेस्ट में ले रहे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं परवाह ही नहीं है जमीन ले रहे हैं लोन पे कार ले रहे हैं लोन पे बंगला बना रहे हैं लोन पे याद रखो ये सब हराम है, हराम है और इन चीजों के जरिए से इंसान को सजाए भुगतनी पड़ेगी याद रखिए मेरे भाइयों फिर उसी तरह से कहा कि वो इंसान जिसके जबड़े को चीरा जा रहा है उल्टा लटका के कहा कि रोजा नहीं रखता था रोजा रखो तो मुझे एसिडिटी है यह है वो है ऐसा है वैसे है परेशानी शुरू हो जाती थी रोजे के हालत में और दूसरी हालत में देखो तो सब ठीक रखें चंगा भला है और रोजा नहीं रख सकते हैं रोजा तंदुरुस्त सेहतमंद होते हुए भी रोजा नहीं रखते थे ऐसे लोगों के जबड़ों को चीरा जा रहा है और में है कि जो लोग रोजा रख कर वक्त से पहले इफ्तार कर लेते थे कभी रख लिए तो मुझसे नहीं हो रहा है वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिए वक्त से पहले रोजा इफ्तार करने वालों की यह सजा और जो ताकत कुवत रखते हुए रोजा रखे ही नहीं उनको कितनी बड़ी सजा होगी फिर उसके बाद वो जो अच्छा मंजर दिखाया गया बाघ बेहतरीन बाघ खुशनुमा बाग कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम सलाम का बाग है ये ईडन गार्डन है हां ईडन गार्डन है ये आदम अलैहिस्सलाम का बाग है और वो जो खुबरू इंसान खूबसूरत नुरानी चेहरे वाले इंसान वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं कहा कि वो बच्चे हैं जो बलूगत से पहले इंतकाल फरमा जाते हैं ऐसे बच्चे हैं जो बलूगत से पहले इंतकाल फरमाते हैं और एक रिवायत में गर्च वो गैर मुस्लिम के बच्चे ही क्यों ना हो मुसलमान और गैर मुस्लिम के वो बच्चे जो बलूगत से पहले इंतकाल कर जाते हैं अल्लाह अकबर उनके बच्चे Experiment, खलील इब्राहिम के साथ जन्नत के बागीचे में ईडन गार्डन में आदम सलाम के बाग में इब्राहिम के साथ हैं कितने खुशनसीब हैं याद रखो अल्लाह के फैसले में खैर है तुम सबर करोगे जिनके बच्चे गुजर गए हैं उनके हीने हयात में उनको पूछो पल पल बच्चे को याद करते हैं शायद कोई घड़ी कोई तन्हाई ऐसी ना हो जिस वक्त उनके बच्चे उनको याद ना आए बिस्तर में तकिए में सर रखकर बच्चे को याद करते हैं और तन्हाई में बच्चे की यादों को याद करते हैं अल्लाह ताला ने उसी कदर अजर रखा है मुसीबत जितनी बड़ी होती है अजर उतना बड़ा होता है अगर आपको हमें अल्लाह ने आजमाया है अल्लाह के लिए सबर करो और यह सोचो हम खुशनसीब हैं हम कहां और इब्राहिम कहां है हमारे लख्त जिगर हमारा खून इब्राहिम सलाम के साथ है ईडन गार्डन में है अल्लाह तेरा शुक्र है और ये बच्चे कल कयामत के मैदान में उसी जन्नत में दरवाजे में खड़े होकर कहेंगे अल्लाह बचपने में हमने मां बाप को गवाया है उन मां बाप को जन्नत में साथ में लेकर जाएंगे और जन्नत में हम दाखिल होंगे अल्लाह कहेगा ठीक है तेरे मां बाप को साथ में लेकर जन्नत में दाखिल हो जा हजिर निगरानी ये प्यार नबी अलैहि वसल्लम ने ये, ने ये, ये सारे मनाज़िर जो दिखाए हैं याद रखिए ये सब आलम बरजक की बातें हैं बरक की जिंदगी आपने दुनिया में ही कहा है इन सारी बातों का ताल्लुक बरजक से है और अल्लाह ताला कभी इंसानों को दिखाता है इंसानों को अल्लाह ताला दिखाता है इंशाल्लाह आगे हम मालूम करेंगे क्या नबी के अलावा गैर नबी को भी कभी अल्लाह तला बरजक के हालात को दिखा सकता है और क्या ये जो लोग अफराक इंतकाल कर जाते हैं क्या वफात शुदा लोग आपस में बरजक में मिलते हैं यह दो सवालत के जवाब इन आगे मालूम करेंगे दुआ की जरबुल से अल्लाह तबरक हमें और आपको आलम बरजक के हालात को समझने और उसकी तैयारी करने अभी से तोफीता फरमाए आमीन सुबह